हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दबाव पड़ने से अंग होने लगे सुन्न के बारे में। जब हाथ पैर सुन्न होने लगें तब क्या हो डाइट और एक्सरसाइज। इससे पहले इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हम महसूस करते हैं कि अचानक हमारे हाथ या पैर सुन्न पड़ गए हैं और उनमें झंझनाहट शुरू हो गई है। ऐसा उस समय होता है जब शरीर के किसी अंग पर अधिक देर तक दबाव रहता है, लेकिन जैसे ही उस अंग पर से दबाव हटता है वैसे ही शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है और उस अंग में संवेदनशीलता लौट आती है। शरीर के किसी अंग के सुन्न होने का मेन कारण बॉडी में रक्त का संचार अच्छे से ना हो पाना है। यदि बॉडी में रक्त का संचार अच्छे से होने लगे तो अंग सुन्न नहीं होंगे। जानिए कुछ ऐसे नुस्खों के बारे में जो हाथ पैर सुन्न होने पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाथ पैर सुन्न होने पर घरेलू नुस्खे। नंबर एक, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच शहद मिला लें। ऐसा करने से रक्त संचार बेहतर होगा, सुन्न हुआ अंग जल्दी ठीक हो जाता है। नंबर दो, 1 चम्मच सौंठ और 5 लहसुन की कलियों को पीसकर पेस्ट बनाएं और इसे लेप की तरह सुन्न स्थान पर लगाएं, फायदा होगा। नंबर तीन, पीपल की 4 कोमल कपोलों को सरसों के तेल में मिलाकर पकाएं, फिर इसे छानें और सुन्न अंग पर लगाएं, फायदा होगा। नंबर चार, 50 ग्राम नारियल के तेल में 2 ग्राम जायफल का चूर्ण मिलाकर सुन्न अंग पर लगाएं। नंबर पाँच, 1 चम्मच सरसों के तेल में कुछ बूंद तुलसी के रस की मिलाएं और इस मिश्रण से सुन्न पड़े अंग की मालिश करें, फायदा होगा। हाथ पैर सुन्न हो तो क्या हो डाइट। अगर शरीर में बार बार सुन्न होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो डाइट में विटामिन और मैग्नीशियम लें। इसके लिए डाइट में मौसमी फल और सब्जियों को शामिल करें और बादाम, केला व काजू लें। हाथ पैर सुन्न के लिए एक्सरसाइज। अगर अक्सर ऐसी समस्या रहती है तो रोज व्यायाम करें, इससे बॉडी में रक्त का संचार अच्छे से होने लगता है। इसके अलावा सप्ताह में 5 दिन के लिए 30 मिनट एरोबिक्स भी करें, इससे आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। इसके अलावा 30 मिनट की ब्रिक्स वॉक और योगासनों को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। साथ ही घंटों एक ही जगह पर बैठने से बचें, थोड़ी थोड़ी देर बाद चलें फिरें, ज़्यादा से ज़्यादा सीढ़ियों का प्रयोग करें। नियमित तौर पर एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ बॉडी को फिट रख पाएंगे बल्कि सुन्न होने की समस्या से भी निजात मिलेगी। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है दबाव पड़ने से हाथ पैर सुन्न होने के बारे में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले। ईट हेल्दी, स्टे फिट, लिव हैप्पीली। बाय बाय।